दर्शाता है कि मौजूदा जो जेजेपी बीजेपी सरकार है उससे हर बिरादरी सत्य बिरादरी विमुख हो चुकी है, हर वर्ग विमुख हो चुका है और जो है कांग्रेस की ओर ही देख रहे थे। विकल्प कांग्रेस में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली कि उसके फौज में अगली बार होगा, अब की बार नहीं। एक किस तरह से देखते कि बच्चे आत्महत्या करने का मजबूर है फौज में अगली जाने की। आग्रह करता हूँ, आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है, एक उस समस्याओं की समाधान है। प्रदेश के अंदर जो जोश उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, आज लाखों आदमी सड़क पर हैं, युवा जो है पूरा जो जाग चुका है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल कमर कस चुका है। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प होकर के इनकी गलत नीतियाँ जो हैं, जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और जो महंगाई से जो आज आहत है सारा प्रदेश और देश की जनता, वो उसके लिए जनता उठ खड़ी हुई है और इस सरकार इतना भारी प्यार उत्साह उमंग आप देख रहे हैं और कुंडली बॉर्डर से लाखों आदमी सड़कों पर है और खास करके युवा जाग चुका है और युवा उठ चुका है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले लिया है। ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता सड़कों पर। ये रद्द सरकार है, ये रद्दी सरकार है जो भर्तियां और परीक्षाओं को रद्द करने का काम करती है। लोग इस सरकार को आने वाले समय में रद्द करने का काम करते हैं। दीपेंद्र जी, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उनको फौज में नौकरी नहीं मिली और स्टेडियम में, ये इससे ज्यादा क्या बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? बेरोजगारों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान को और नौजवान को जिस प्रदेश में आत्महत्या करने मजबूर होना पड़े। अब कांग्रेस की आवामी रणनीति किस तरह से मजबूर, ऐसे ऐसे लोगों की आवाज बनेगी कांग्रेस पार्टी, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेगी, प्रदेश को दोबारा से उज्जवल भविष्य तक लेके जाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है, तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। आज मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, इतनी गर्मी में घंटों से पूरा जीटी रोड जाम, इतने लाखों लोग अभी पानीपत तक पहुँचे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 1-2 लाख लोग स्वागत कर चुके हैं। तो जिस तरीके से लोग निकल के आए हैं, ये सूचक है इस बात का कि लोग भाजपा जनपा की सरकार से, इनके भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली कट से, इनके इनकी ऐसी नीतियों से जिससे हरियाणा के विकास पे फुल स्टॉप लग गया, ऐसी नीतियों से लोग त्रस्त हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। ये रद्द सरकार है, ये रद्दी सरकार है जो भर्तियां और परीक्षाओं को रद्द करने का काम करती है। लोग इस सरकार को आने वाले समय में रद्द करने का काम करते हैं। दीपेंद्र जी, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उनको फौज में नौकरी नहीं मिली और स्टेडियम में, ये इससे ज्यादा क्या बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? बेरोजगारों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान को और नौजवान को जिस प्रदेश में आत्महत्या करने मजबूर होना पड़े। अब कांग्रेस की आवामी रणनीति किस तरह से मजबूर, ऐसे ऐसे लोगों की आवाज बनेगी कांग्रेस पार्टी। शरीर के सभी रोगों के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाना, RTOs है ना, नियर ताऊ देवी लाल पार्क, GT रोड, पानीपत।